ने हाँ क्यों की, क्योंकि चंदन का यह कहना है कि मैनू जिहड़ा है एवें दे करैक्टर नहीं पसंद जिहदे च सिर्फ एक कुड़ी नू सोहना विखाया जाए तो स्क्रीन ते एक जगह दे दी जाए। इसीलिए हाँ की, क्योंकि ये सिर्फ वो चीज़ा नहीं सगिया कि सिर्फ स्क्रीन पर थोड़ी जी जगह देती बस ठीक है सोहना दिखाना, ये बहुत कुछ करन नू। मैं शुरू तो लैके हुण तक अपनी जर्नी इंजॉय कर रही हाँ। मैंने लगता जो मैं इंजॉय करके काम कर दी तो मेरा काम बहुत सोहना निकल के आता है। आर्टिस्ट होना ना एक मेहर है रब की तुहाडे ते, है ना, आर्टिस्ट हो तो किन्नियां जिंदगियां जीण दा मौका मिलता आ। केड़ी करना ज़्यादा पसंद है, फिल्मां सीरीज़ या फिर गाने? वो एक्टिंग करनी पसंद है, वो चाहे गाने च हो चाहे वो सीरीज़ च हो चाहे फिल्मां च हो, बस मैं जबरदस्त रोल है बस भी चंदन ही है बस चंदन ली हुई है। फैक्ट न्यूज़ देख रहे सारे दर्शकों मेरे यानी सिमरन वालों प्यार पारी सत श्री अकाल। दोस्तों वैब सीरीज़ आ रही है फसल, वैसे तो बहुत सारिया सीरीज़ अजकल जिहड़ियां ने साढ़े पंजाब दे विच चल रही ने, बट वूमन ओरिएंटेड सीरीज़ जिहड़ियां ने बहुत रेयर, मैनूं लगता कि हजे तक कोई बनी नहीं है, बट ये बन रही है तो साढ़े नाल साड़ी ब्यूटीफुल जी तो टैलेंटेड जी एक्ट्रेस जिहड़ी है वो मौजूद है, उन्हां नाल गलबात करदे आ। मैं गल कर रही हाँ चंदन गिल दी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। किवें हो? बहुत वधिया, तुसीं दसो। मैं भी बहुत वधिया। अच्छा फसल आ रही है वैब सीरीज़, तो सब तो पहला तो यही जानना चाहवांगी कि इस सीरीज़ दे विच तुहाडा किरदार? मेरा किरदार, मेरे किरदार का नाम चन्नो है, बहुत ही दमदार किरदार है मेरा, तो बहुत सारे शेड्स ने उहदे, है ना, बहुत प्यारा जिहा करैक्टर है। कि ये जिहड़ी सीरीज़ है तुहाडे तक किवें पहुंची एंड चंदन ने हाँ क्यों की, क्योंकि चंदन का यह कहना है कि मैनू जिहड़ा है एवें दे करैक्टर नहीं पसंद जिहदे च सिर्फ एक कुड़ी नू सोहना विखाया जाए तो स्क्रीन पर एक जगह दे दी जाए, तो क्यों हाँ की वो जानना चाहवांगी। बस इसीलिए हाँ की, क्योंकि ये सिर्फ वो चीज़ा नहीं सगिया कि सिर्फ स्क्रीन पर थोड़ी जी जगह देती बस ठीक है सोहना दिखाना, ये बहुत कुछ करन नू आ। एक करैक्टर बहुत दमदार करैक्टर है, ता ही मैं एक करैक्टर नू हाँ की है, बहुत करैक्टर है। अगे भी तुसीं बहुत सारिया फिल्मों में काम कर चुके हो, है ना, तो ये जर्नी जिहड़ी है कह देंदे आ लोग कि यार ये तो मतलब बड़ी जल्दी इनू हाइप मिल गई या बहुत जल्दी काम मिल रहा है, है ना, तो बट वो पिछे पर्दे तो पिछे की जी कहानी है स्ट्रगल है वो बहुत रेयर लोग ने जोड़े मेरे ख्याल में बिल्कुल साढ़े नाल रेंगे ने उही जानते हैं, तो इतने तक पहुँचना तो बैक टू बैक काम मिलना हर एक दे बस की गल नहीं है, तो वह जानना चाहवागी कि वह स्ट्रगल किमें रहा तो इतने तक ये फसल तक पहुँचे हो वो किमें? नहीं मैनू, मैं इंजॉय करती हाँ अपने स्ट्रगल नू, मैं शुरू तो लैके हुण तक अपनी जर्नी इंजॉय कर रही हाँ। मैनू लगता जो मैं इंजॉय करके काम करती हाँ तो मेरा काम बहुत सोहना निकल के आता है ना। एक है चीज़ हैगी सबर, जो मैं सबर करके चलती हाँ कि नहीं, क्योंकि जिहड़ी चीज़ मैं नहीं करनी वो मैं नहीं करनी, जिहड़ी मैं करनी आ उहदे लई फिर मेरी एट ए टाइम ते हाँ हो जाती है कि मैं करनी है, तो स्ट्रगल बस चलती रहे, मिठी मिठी स्ट्रगल है, मज़ा लै रही हाँ स्ट्रगल का भी। ये जड़ा टाइम सीगा स्ट्रगल का हुण भी चल ही रहा है ना, स्ट्रगल जड़ा है वो पूरी लाइफ ही चलता रहिंदा भावें किसी भी चीज़ च होवे, तां कोई एवें दा चीज़ होई होवे या जदों चंदन जड़ी है टुट गई होवे एंड फिर उन्हूं बैकअप जड़ा है ना खुद नूं किवें स्टैंड किया कि नहीं यार इत्थे नहीं हजे मेरे बहुत वड्डे गोल्स ने? नहीं एक्चुअली जो मैं लगता थोड़े पेरेंट्स सब तो वड्डी सपोर्ट होंगे थोड़े पेरेंट्स, है ना, उस तो बाद बाकी चीज़ा आदि ने, जो थोड़े पेरेंट्स नाल ने मैं लगता थोड़ा टुटन का मौका ही नहीं मिलता, तुम टुटते ही नहीं हो उदों, है ना, तुम खड़े रहते हो, बाकी मेरे पेरेंट्स की बहुत सपोर्ट है मेरे नाल, वो मैं टुटन ही नहीं देंदे मैं ऐ लगता हूँ कि नहीं हूँ मेरा यही सब कुछ है, मैं यही मेरा काम है, यही करना आ, जिमें मर्जी करा रो के करा हस के करा, मैंने लगता जो तुम इंजॉय करके करते हो ज़्यादा वधिया हो जाता, क्योंकि जेडी हुंदा नहीं है कि तुहाडे ड्रीम्स हुंदे ने ना उन्होंने तुम ज़्यादा इंजॉय करते हो, मेरा ड्रीम है तो मैं ज़्यादा इंजॉय करती हूँ इन्हों। जिहड़ा ड्रीम है ये बहुत घट लोग होंगे ने जिन्हों का पूरा होंगे, तो हौली हौली ये ड्रीम जिहड़ा तुम जी रहे हो इस वक्त, तो किवें दा लग रहा? बहुत वधिया लग रहा यार, मैनू लगता है कि आर्टिस्ट होना ना एक मेहर है रब की तुहाडे ते, है ना, आर्टिस्ट हो तो किन्नियां जिंदगियां जीण दा मौका मिलता आ। हुण मैं एक, चलो मैं अपने आप नू एक नॉर्मल कुड़ी मान ला, मैं घर च की करूँगी, है ना, खाना खाऊँगी बनाऊँगी ये वो, विआह हो जूगा, दैट्स इट,
है ना। हुण इहदे विच की है, इहदे विच तुहानूं किन्ने करैक्टर जीण नूं मिल रहे ने। हुण जिहड़ा मेरा इही करैक्टर है चन्नो, हुण इही की कुछ करदी है ना, खेतां च कम कर रही है, ट्रैक्टर चला रही है। हुण मैं जे मैं आम कुड़ी हुंदी, मैं कित्थे खेतां च कम करना सी, कित्थे ट्रैक्टर चलाना सी, है ना। तो उही चीज़ है कि मैनूं लगदा आर्टिस्ट होना इह ते रब दी मेहर है बहुत वड्डी जो कि मेरे ते है। अच्छा, जिवें तुसीं हुणे दस्सिया कि तुसीं करैक्टर दे विच जिहड़ा इस सीरीज़ दे विच ट्रैक्टर चला रहे हो, खेतां च कम कर रहे हो, तो यह एक्सपीरियंस किवें रहा, क्योंकि इस वक्त जिहड़ा गर्मी भी बहुत है, तो कल तो जिहड़ा शूट शुरू हो रहा है, तो टैनिंग की प्रॉब्लम जिहड़ी है सानूं कुड़ियां नूं बहुत रहिंदी कि हाए असीं बचदियां आ कुड़ियां, तां मतलब ये चीज़ नूं किवें मैनेज करोगे। ये तो सच्ची मैनू सीरीयसली इस चीज़ की टेंशन तो है कि हुण मैं मतलब पूरा धुप च कम करना है, इन्नी ज़्यादा गर्मी है, टेंशन तो है, बट वही चीज़ है ना कि करना आ बस। पूरी तैयारी दे नाल चंदन नाल, बिल्कुल बिल्कुल तैयारी नाल। चंदन, तुसी बहुत सारे गाने भी कर चुके हो, बहुत सारी फिल्मां भी कर चुके हो, तो केड़ी करना ज़्यादा पसंद है, फिल्मां, सीरीज या फिर गाने? मैनू एक्टिंग करनी पसंद है, वो चाहे गाने च हो, चाहे वह सीरीज़ हो, चाहे फिल्मों च हो, बस मैं एक्टिंग करनी पसंद है। तो अजय अगर जो असं गल करिए गीतों के जी एक्टिंग होंगी है एंड मूवीज़ के जी एक्टिंग होंगी है, बहुत डिफरेंस है, तो उन्हों चंदन किमें वेखती है? क्योंकि तुम देखा होगा कि मैं जिन्हें भी गाने करती हाँ ना, वो थोड़ी जी स्टोरी बेस्ड होंगे ने, मैं स्टोरी बेस्ड गाने गीते हूँ तक, जो तुम स्टोरी होंगी है कोई वो एक्टिंग होंगी होंगी है, बस वो भी मैं एक्टिंग ही करती हाँ गाने च भी। मेरे लिए कोई मैं इदा नहीं लगता कि बस इन्ना सिर्फ फर्क है, वो डायलॉग नहीं बोलने होंगे, ये डायलॉग बोलने होंगे बस, क्योंकि मैं स्टोरी बेस्ड ही गाने गीते हूँ तक। अच्छा, डायलॉग वाली जी एक्टिंग है वो ज़्यादा डिफिकल्ट है या फिर विदाउट डायलॉग? मैनू तो दोनों इन्नी डिफिकल्ट लगते, बस वो की होंगे तुम मन के बोल रहे हो कुछ, है ना, चुप हो के पर मन चे चल रहा बोल रहे हो, इतने की होंगे जो तुम मूवीज़ वगैरह करते हो बोल देंगे हो। बस इन्ना फर्क है। तुहाड़ी जी ये सीरीज़ तो आ ही रही है, इस तो अलावा जे चंदन प्रोजैक्ट करेगी अगे तो वह किस तरह के होणगे, एंड एक ना साडा माइंड सैट हुंदा कि असी इदा काम करना चाहते हैं, इदा के करैक्टर्स मैं प्ले करना चाहनी हाँ, तो वह किहड़ियां चीज़ां ने जदों तुसीं स्क्रिप्ट चूज़ करते हो तो अपने करैक्टर दे विच वेखना पसंद करते हो? मैं देखो सब तो पहला मैं यही चीज़ मैं देखती हुंनी हाँ जदों स्क्रिप्ट भी पढ़ती हाँ कि कुछ अलग कुछ वक्खरा करन, मैनू ये ना लगे कि ये तो यार मैं एवें बस नॉर्मल लाइफ च भी तो एवें दी हुई हां, नहीं कुछ वक्खरा करन मिले, मैनू खुद नू पता चले कि मैं होर की कर सकती हाँ, मेरे च होर की निकल सकता है, मैं ये चीज़ों का बहुत ध्यान रखती हाँ। तो अगर जे मैं गल करा चंदन गिल दी, तो वो 5 साल बाद खुद नू अज तो 5 साल बाद कित्थे वेखती है? खुद नू 5 साल बाद मैं इत्थे देखती हाँ कि जदों कोई गल करे कि कोई दमदार करैक्टर है, जबरदस्त रोल है, बस कोई चंदन ही है। बस चंदन ली हुई है। तो मतलब कि ये है कि आने वाले टाइम के विच चंदन को बिल्कुल भी टाइम नहीं होने वाला, क्योंकि इन्निया ज़्यादा स्क्रिप्ट्स जड़िया होनगियां चंदन। बिल्कुल बिल्कुल, परमात्मा की कृपा नाल आनगियां। बिल्कुल, जो असी मेहनत करते हैं तो उसका फल मैं पहला भी कहा सीगा कि जरूर मिलता है। तो चंदन की तैयारियां हुण चल रही ने, क्योंकि जी कल तो इहदी शूटिंग शुरू आ सीरीज़ की? तैयारियां बस यही एक तो मैं तुहानूं दस्सिया ही है ट्रैक्टर, क्योंकि मैं बेसिकली पहले कभी चलाया ही नहीं है ट्रैक्टर, ट्रैक्टर चलाना सीख रही हाँ, मैं बाइक सीख रही हाँ, है ना, खेतों जाके भी आई हाँ एक दो बार, है ना, वैसे छोटे होंगे जाते होंगे सी, हुण नहीं जाते, हुण चलो इत्थे रह रहे हैं नहीं जाते, बट बस यही तैयारियां चल रही, मैं अपने करैक्टर पर वर्क कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी स्ट्रोंग करैक्टर है, मैनू भी आई हाँ कि मैं वधिया निभा दाँ, क्योंकि मैनू लगता है कि मैनू बहुत ज़्यादा होर ज़्यादा मेहनत करनी पैनी है इस करैक्टर लिए, तो जे मैं वह मेहनत करूँगी शायद ता ही वह करैक्टर निकल के आएगा, ता ही बस यही मेहनत चल रही है। बिल्कुल, ये चलनी भी चाहिए है, क्योंकि एक करैक्टर जोड़ा प्ले करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होंगी है। तो अच्छा, कभी एक्शन मूवीज़ करन दा सोचा है? हाँ, एक्शन मूवी करन दा सोचा भी है, तो एक्शन मूवी की स्क्रिप्ट आ रखी है मेरे को, मैं बहुत पसंद है, मैं करूँगी वो आने वाले टाइम से, तुम इदा ही बैठे होंगे वो इंटरव्यू करते हो। क्या बात है, मतलब कि सानू सिल्वर स्क्रीन के उत्ते एक्शन करते भी दिखाई। बिल्कुल 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 बिल्कुल।
अच्छा चंदन, कदें एवें का एक्सपीरियंस होया? क्योंकि साड़ी जिहड़ी ये लाइन है ना, इहदे विच की है, कुड़ियों नूं बहुत पिछे पिछे किया जाता, काम नहीं दिता जाता, तो कदें चंदन नाल एवें होया कि एक तो तुहाडी जिवें एज भी बहुत यंग है ना, कि इन बच्ची जी आ यार इहनूं टड़का दो या इदां कर दो, कदें इदां दा एक्सपीरियंस होया? नहीं, मेरे नाल एक्चुअली एवें दा एक्सपीरियंस होया नहीं है। मैनू मैनूं ना इदां लगदा हुंदा कि जिद्दां हुण मैं सुनदी हाँ कईआं तों कि यार साडे नाल इदां हो गया, मैं कहिंदी नहीं यार, मैं टचवुड मेरे नाल कितें एवें दा नहीं होया। मतलब बहुत रिस्पैक्ट मिलती है। मैं हुण तक जिन्नियां मूवीज़ कीतियां ने जां जिन्नियां हुण तक, चलो आपां मीटिंग्स करदे हां, मतलब बहुत रिस्पैक्टफुली बोलते हैं। एवें मैनू लगता ही नहीं है कि नहीं यार वूमेन समझ के तुहानूं कुछ एवें ही बस किया जाता है। नहीं, बिल्कुल भी एवें दा नहीं आ। बहुत रिस्पैक्टफुली सारा माहौल जिहड़ा हुंदा है ना सैट ते, वह भी बड़ा वधिया माहौल हुंदा है। तुहानूं बहुत सेफली लिजाया जाता है, सेफली तुहाडे नाल ट्रीट किया जाता है, सारियां चीज़ां बहुत अच्छियां हुंदियां ने। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੋਸਟੀ ਫਿਲਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਵਨੀ ਗਿਰਦਾਰੀ ਲਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ 'ਚੋਂ ਬੈਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿਹੜਾ ਰਿਹਾ? ਬੈਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਪੋਸਟੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਹੈ ਨਾ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੋਸਟੀ ਮੂਵੀ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਫਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਵੈਨਿਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਆਪਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ, ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਸਿੱਖੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੰਮ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਇੰਡ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਚੰਦਨ, ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਐਕਟਰੈਸ ਹੀ ਬਣਨਾ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਣੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਦਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਐਕਟਰੈਸ ਬਣਨਾ? ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਐਕਟਰੈਸ ਬਣਨਾ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੋਬ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈ ਸੀ, ਐਸਥੈਟਿਕ ਕਲੀਨਿਕ 'ਚ ਮੈਂ ਜੋਬ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕਲਾਇੰਟ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਕੁਛ ਕਰੋ ਐਵੇਂ ਐਵੇਂ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾ ਮਾਇੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਸਰ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਕਟਿੰਗ ਕਲਾਸਿਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਓ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਕਟਿੰਗ ਕਲਾਸਿਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ 16 ਸੈਕਟਰ 'ਚ। ਮੈਂ 5 ਦਿਨ ਗਈ ਹਾਂ ਉੱਥੇ, ਵਿਦ ਇਨ ਵੀਕ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਆ ਇਹਦਾ ਆਡੀਸ਼ਨਸ ਦਾ, ਮੈਂ ਆਡੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਈ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਵਾਹ, ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਡੈਸਟਨੀ। ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਟੋਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ, ਯੇ ਵੋ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੁਣ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ ਆ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੀ ਚਲੋ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਡੈਸਟਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਕੁਛ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਬਟ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਕੁਛ ਹੋਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜਾ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸ਼ੂਟ ਸਟਾਰਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਲ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬੈਸਟ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਆਵੇ, ਅਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ 'ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਓਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾ ਸਕੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਐਂਡ ਆਲ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬੈਸਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ, ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਆਏਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹਰਵਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ।